नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आखिर कब तक लॉकडाउन रखा जाता, आखिर कब तक यूं ही कामकाज छोड़ सब घरों में बंद रहेंगे? सवाल कई थे, लेकिन पीएम मोदी के एक के बाद एक फैसलों ने उम्मीद की किरण जगा दी। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत ने आज से लॉकडाउन में कुछ ढील दी है, जिससे अर्थव्यवस्था चल सके। ये ढील सरकार तभी दे सकी जब उसे कुछ पॉजिटिव संकेत मिले। इसमें इन्फेक्शन रेट, डेथ रेट का कम होना शामिल है। इसके साथ ही भारत की कोरोना से रिकवरी रेट भी अच्छी है। अब तक लगभग 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तेज रिकवरी रेट देखकर पीएम मोदी और बाकी अधिकारियों ने जैसे राहत की सांस ली। बताया जाता है कि इसी से मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजों को फिर से खोलने का साहस आया। अगर यही रेट रहा तो मई के आखिर तक 50% लोग ठीक हो जाएंगे। देश ने कोरोना वायरस के 10 लाख टेस्ट पूरे कर लिए। इसमें इन्फेक्शन रेट 4% से ऊपर नहीं पहुंचा है। औसतन ये 4.5% से गिरकर 3.8% पर आ गया। आज 10,000 से ज़्यादा हमारे कोरोना से प्रभावित जो अस्पतालों में मरीज भर्ती हुए थे, वो छुट्टी होकर खुशी खुशी घर जा चुके हैं। और जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उसमें भी मेजॉरिटी जो मरीज़ हैं वो ऑन रोड टू रिकवरी हैं, और वो जो है एक प्रकार से आने वाले समय में घर वापस जाने वाले हैं। दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि हर संडे में आपके साथ जब डाटा शेयर करता हूं, तो पिछले संडे से जो है हम हर तरीके से अगले संडे को बेहतर होते हैं। पिछले 14 दिनों में अगर हमारा डबलिंग रेट 10.5 था, तो पिछले 7 दिनों में 11.7 हो गया, और आज सुबह जो है एनालिसिस मैंने देखा तो वो 12 के करीब था। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पस्त राज्यों की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात का नाम आता है। अब देखना यहाँ से ये है कि लॉकडाउन में ढील देने के बाद मामले बढ़ते हैं या घटते हैं।